हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग टिप्स के रिगार्डिंग। बहुत से लोग हैं जो कि जिन्होंने न्यू कार परचेज करी है, अभी नई नई कार चलाना सीखा है उन्होंने, और उनके मन में बहुत से डाउट होते हैं कि हमें हमारी कार का जो गियर है वो कौन सी स्पीड पे आके चेंज करना चाहिए या उसका क्या एक सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। अगर आपके मन में भी सेम डाउट है तो ये वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और आपके सारे के सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैं श्योरिटी देता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आप एक न्यू कार चलाना सीखते हैं तो आपको सबसे बड़ा एक क्वेश्चन दिमाग के अंदर ये आता है कि कौन सी स्पीड पे, कितनी स्पीड पे आके हमें कौन सेकंड गियर लगाना है, फिर सेकंड से थर्ड में जाना है और फिर थर्ड से फोर्थ में, तो उसका क्या एक सेट स्टैंडर्ड है। तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कोई भी सेट स्टैंडर्ड नहीं है। दैट डिपेंड ऑन आपकी कार कौन, कितने सीसी की आपकी कार है, उसका इंजन कितने सीसी का है, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक लार्ज ऑडियंस को अगर हम लेके चले तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के पास 1 लीटर इंजन की कार होती है, 1.2 लीटर इंजन या फिर 1.5 तक की होती है और मैक्सिमम 2 तक की होती है। ठीक है, उसके ऊपर भी आती हैं डेफिनेटली कार्स, बट वो मासेस के पास उतनी कार्स नहीं होती हैं। ठीक, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस स्पीड पे आपकी कार का गियर चेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके जो MID होती है, आपकी कार की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, उसके ऊपर आपको एक साइन दिखाई दे जाएगा। अगर आप सेकंड में चल रहे हैं तो वहां पे आपको 3 लिखा हुआ दिखाई देने लग जाएगा। दैट मीन्स वो जो कार है वो इंडिकेट करिए आपको कि आप अपना गियर को सेकंड से थर्ड में ले हैं। बट अगर ये फंक्शनैलिटी आपकी कार के अंदर नहीं है तो फिर भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कब चेंज करना है। आपकी कार के अंदर एक तो स्पीडोमीटर दिया गया होता है जिसके ऊपर स्पीड दिखाई दे रही होती है, और साथ में ही आपको एक RPM का एक मीटर दिया गया होता है। तो आपको RPM जो मीटर है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो RPM मीटर के अंदर जैसे ही आपका 1500 RPM क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, अगर आप अपनी कार को एकदम रफ भगाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो वीडियो डिजाइन की गई है इस तरह से, मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि आपको अच्छी से अच्छी माइलेज मिले आपकी कार से। और जैसे ही आपने फर्स्ट गियर डाला उसके बाद 1500 RPM क्रॉस कर दिया तो सेकंड में आ गए, फिर सेकंड गियर के अंदर नीचे आ जाएंगे आपके कार के जो RPM है। ठीक है, जैसे आप सेकंड में डाल देंगे तो वापस से वो बढ़ने लगेंगे, तो जैसे ही 1500 टच हो जाएंगे फिर से आपको थर्ड गियर डाल देना है, और फिर जैसे वो फिर थोड़े कम हो जाएंगे फिर से बढ़ने लगेंगे, जैसे ही 1500 फिर से रीच करेंगे आपको फिर से फोर्थ डाल लेना है, ऐसे ही फिफ्थ डाल लेना है, अगर सिक्स्थ आपकी कार के अंदर तो सिक्स्थ ऐसे ही डाल लेना है आपको। ठीक है, तो ये तो होगी RPM को देख के गियर चेंज करने की बात। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि मेरी कार के अंदर तो RPM का जो मीटर होता है वो भी नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक स्पीड का नॉर्मल सा एक रेंज देता हूं यहाँ पे, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जैसे आप फर्स्ट गियर एंगेज करते हैं तो आपको 20 तक, अप टू 20 तक मैं बता रहा हूँ, जैसे आपकी कार 20 की स्पीड पे रीच कर जाती है तो आपको सेकंड गियर में चले जाना है। ठीक है, अब सेकंड से थर्ड में कौन सी स्पीड पे आना है, तो जैसे आपकी कार 35-40 की स्पीड में आ जाती है तो आपको थर्ड गियर डाल लेना है। उसके बाद जैसे आपकी कार 60 टच कर जाती है, ठीक है, तो 60 जैसे ही टच करेगी आपको फोर्थ डाल लेना है। उसके बाद 70-80 के बीच में आप कभी भी अपने फिफ्थ गियर में आ सकते हैं। आपको 80 की स्पीड मोस्ट ऑफ द टाइम इंडियन हाईवे पे देखने को मिलती है, 80 की स्पीड, तो आप उसी स्पीड पे चलाएं। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर जाना है तो आप 100 तक चलाइए, उसके ऊपर चलाना गाड़ी को थोड़ा सा डेंजरस रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी कार उस कंडीशन में कोलाइड करती है तो बहुत ज्यादा आपको डैमेज देखने को मिलेगा। तो आपको 100 तक की स्पीड अच्छी स्पीड है, उसको उस स्पीड के अंदर आप अपनी कार को आराम से कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगर आपको एकदम सडन ब्रेकिंग लेनी पड़ रही है, कुछ भी करना पड़ रहा है, तो 100 तक की स्पीड पे आपको अपनी कार चलानी चाहिए। तो मैंने आपको सारे के सारे सिनेरियो बता दिए इस वीडियो के अंदर कि सबसे पहला तो आपकी कार ही आपको इंडिकेट कर देगी MID के ऊपर कि आपको गियर चेंज कर लेना है। बट अगर वो फंक्शनैलिटी नहीं है तो आप RPM की मदद से आपकी कार के RPM कितने हैं वो आप देख के अपने गियर चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी कार के अंदर RPM भी नहीं है तो मैंने आपको एक स्पीड की एक रेंज भी दे दी है यहाँ पे,
तो ये आपको ध्यान में रखनी है। आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे ही आप अपनी थोड़ी ड्राइविंग स्किल के अंदर आपको थोड़ा टाइम होगा कार चलाते हुए, तो ये सारी बातें आपके दिमाग में अपने आप ही फिट हो जाएंगी। आपको देखना तक भी नहीं पड़ेगा कि मेरे को गियर चेंज कब करना है कब नहीं करना है। तो ये आप बिल्कुल भी अगर आपके मन में एक डाउट है डर है तो ये बिल्कुल निकाल दीजिए। ये टाइम के साथ आपके दिमाग से बिल्कुल अपने आप चला जाएगा और आपको अपने आप पता चलता रहेगा कि कब मेरे को गियर चेंज करना है। ये थोड़े ही दिनों की एक दो महीने के अंदर अंदर आप ये सारी चीजें अच्छे से सीख जाएंगे। बट अगर आप ये बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए आई एम प्रीटी श्योर हेल्पफुल रहा होगा आपको सीखने में आपकी कार ड्राइविंग। और इस वीडियो को आप अपने जो ड्राइविंग सीख रही हैं या जिन्होंने अभी न्यू कार परचेज करी है उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है और अगर मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी बाय।